यशोमती मैया के नंदलाला। जय पक्षन, मैंने तो बस यही पक्षन बनाए थे, तुझे लक्ष्मी जी के पक्षन भीतर तक कैसे आ गए? किसने करो जय? इसका अर्थ तो जय है ना कि लक्ष्मी जी सच्ची में हमारे घर पधारी हैं। कितना अच्छा होता जी यदि हम यही होते, उनका स्वागत करते, उनकी पूजा करते, प्रसाद चढ़ाते और उनकी सेवा का सौभाग्य मिल जाता। वो तो अभी भी मिल सकता है मैया, लक्ष्मी देवी सामने ही तो है। कहना सही कह रहे हो सुधा, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है और वैसे भी जिन पर नारायण की कृपा होती है लक्ष्मी जी उनके साथ तो होती ही है। पर मैं कैसे संतोष करूं? मेरा मन हो रहा है कि कैसे भी मुझे उनके साक्षात दर्शन मिल जाते। अरे जी देखो तो सही, उनकी उपस्थिति का संकेत दे दियो है, जे कोई साक्षात दर्शन से कम है क्या? चलो हम लक्ष्मी पूजन कर लेते। इस बार तो हमारे साथ कान्हा भी लक्ष्मी पूजन करेगो। प्रभु मेरी पूजा करेंगे? मैया की इच्छा तो यही है। पर आप मेरी पूजा कैसे कर सकते हैं प्रभु? आप मेरे स्वामी हैं, आपकी पूजा करना मेरा धर्म है। नहीं प्रभु, ये अनुचित होगा, मैं आपसे मेरी पूजा नहीं करवा सकती। बस करो वाकासुर, बहुत हुआ ये लुका छुपी का खेल। प्रणाम कंस। छिपे रहकर दूर से ही प्रणाम करोगे? सामने आओ बकासुर। चेतावनी को प्रणाम समझने की भूल केवल तुम ही कर सकते हो कंस। अनगिनत युद्ध करने के बाद भी जिसने पराजय का कड़वा स्वाद न चखा हो, उस अपराजय विजेता का अपमान करने की मूर्खता केवल तुम ही कर सकते हो बकासुर। अपने दिव्य अस्त्रों से किसे भयभीत कर रहे हो कंस? उसे जिसे संपूर्ण देवता भी मिलकर परास्त नहीं कर पाए थे। समय के साथ तुम्हारी स्मरण शक्ति पर धूल लग गई है बकासुर, भूल गए हो तुम अभी कुछ ही क्षण पहले जिस दिव्य अस्त्रधारी का तुम उपहास उड़ा रहे थे, उसी ने परास्त किया था तुम्हें। उस दिन तुम्हारे प्राण देह के इस बंधन से मुक्त हो जाते यदि तुम्हारी बहन पूतना ने तुम्हारे जीवन दान के लिए विनती न की होती। तो यही स्मरण कराने के लिए बुलाया है मुझे? संधि करने के लिए बुलाया है? असंभव है ये। तुम्हारा मित्र वत्सासुर वीर गति को प्राप्त हो चुका है। जानते हो किसने की उसकी हत्या? तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाली तुम्हारी बहन पूतना प्राण गवा चुकी है अपने। जानते हो किसने की उसकी हत्या? किसने मारा मेरी बहन को? किसने मारा मेरे मित्रों को? किसने बुलाई है अपनी मृत्यु? उसी ने जो मेरा भी शत्रु है, इसीलिए बुलाया है तुम्हें यहाँ पर संधि करने के लिए, प्रतिशोध का एक अवसर देने के लिए। तुम नाम बताओ उसका कंस, उस दुष्ट को कच्चा ही निगल जाऊंगा मैं। बोलो कौन है वो? एक बालक है, कृष्ण। कृष्ण
किंतु वो एक विष्णु अवतार है बकासुर। किसी का भी अवतार क्यों ना हो, इसी क्षण से मैं हूं उसके काल का अवतार। तुम केवल इतना बताओ कि कहां मिलेगा वो। वृंदावन, वृंदावन। कान्हा आजा, पूजा आरंभ करते हैं। नहीं प्रभु। क्या सोच रहे हो लल्ला? आजा। पहले इस राक्षस का सामना करना होगा मुझे, अन्यथा यह सुग्रीव को सबके लिए अशुभ बना देगा। मैया, लक्ष्मी जी की पूजा से पहले सारे घर में दिए जलाकर उनका स्वागत करना चाहिए ना? कितना सयाना होगा मेरा लल्ला। चलो जी, दिए जलाएं। आ जाओ। प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती। कोई भी योजना बनाइए, कोई उपाय निकालिए, पर आप मैया को मनाइए। आप मेरी पूजा नहीं कर सकते, ये शोभा नहीं देगा। पहला दिया जलाएगो लल्ला? हाँ मैया। ले, ध्यान से लल्ला। जिस श्वेत रंग का आकाश में क्या गया? सुनो जी, देखो आपने, ये तो अवश्य ही बहुत अशुभ संकेत है जी। कहाँ है वो? कहाँ है विष्णु अवतार कृष्ण? दिवाली के शुभ दिन अशुभ संकेत की बात करियो मैया, ये तो कयूत तीव्र चलने के कारण मुझे है, फिर से चला लेंगे। साधारण दीपक ही तो है ये। जे साधारण ना है लल्ला, दीपावली के दीपों का बहुत विशेष महत्व होता है। तो है भैया, वनवास के बाद जब राम जी लौट कर आ रहे थे तब उनके स्वागत में पूरी अयोध्या में ये दीप जलाए गए थे। दीपावली अमावस्या की रात को पड़ती है और रात का अंधेरा मन के भीतर के उस अंधेरे का प्रतीक होतो है जो बुराई को शक्ति देतो है। ये दीपक का तेल है ना, ये मन के विकारों का प्रतीक है, और ये बाती प्रतीक है हमारी आत्मा का। जब अमावस्या की अंधेरी रात में हम जो दीपक जलाते हैं ना, उसका अर्थ ये हो तो है तो जे बाती अर्थात कि हमारी आत्मा भक्ति के ताप में तप कर इस तेल
अर्थात हमारे मन के विकारों को जला देती और आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा के साथ एक हो जाती और फैल जाता है दसों दिशाओं में अच्छाई, सुख, शांति और ज्ञान का प्रकाश। समझो? साधारण अर्थ में कहते हैं कि दीपावली की रात जो दीपक का प्रकाश होता है ना, वो रावण की बुराई पर राम जी की अच्छाई का, उनकी जीत का प्रतीक होता है। समझ गो मैया, सब समझ गो। आज हम ये सारे दीपक जलाएंगे बाबा, और इसके प्रकाश के कारण कोई भी विकार, कोई भी बुराई वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी, वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी। इतना तीव्र प्रकाश, इसके कारण तो कुछ देखना भी कठिन हो गया है, और मुझे इन दीपकों की उष्मा क्यों अनुभव हो रही है? कैसे संभव है ये? आज बुराई पर अच्छाई की विजय की रात है। आज वृंदावन के निकट आने का प्रयास बिना करना वक्कासुर, अन्यथा इन दीपकों की लो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इन दीपकों की अग्नि तो सचमुच मुझे जला रही है। सारे देवता भी मिलकर मुझे नहीं रोक पाए थे, इन नन्हे दीपकों में इतना सामर्थ्य कहां जो मेरे पांव को बांध पाए। इन्हें अंधेरा मिटाने वाले साधारण दीपक समझने की भूल मत करो वक्कासुर। वृंदावन में जलने वाला हर दीपक उस भक्ति का प्रतीक है जिसकी लौ मेरे भक्तों ने अपने हृदय में जला रखी है। भक्ति की शक्ति के आगे तो रावण को भी हारना पड़ा था वक्कासुर, फिर तुम्हारा तो अस्तित्व क्या है? तो फिर अब मैं भी देखता हूँ ये दीपक कब तक तेरे वृंदावन को मुझसे बचाते हैं। जैसे जो सारे दीपक बुझ गए थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था, मुझे लग रहा है अवश्य ही कोई बुरी ऊर्जा है हमारे आसपास। यशोदा, अंधेरे को भूल जाओ, चारों ओर बिखरे इस प्रकाश को देखो, जे मैया लक्ष्मी की उपस्थिति का संकेत, उनका आशीर्वाद हमारे साथ। आप अभी यही हैं देवी? मैं कैसे जा सकती हूँ? यशोमती मैया मेरे दर्शन करना चाहती है, जिनकी इच्छा आप नहीं टाल सकते, उनकी इच्छा का मान मैं ना रखूं, ये तो संभव ही नहीं है। आपने मनाया है ना, स्मरण है ना आपको? मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। अब तो दीपक भी जल गए, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए पूजा आरंभ करते हैं। चल आ जा।
यदि हमारे आसपास कोई बुरी ऊर्जा ना है और यदि लक्ष्मी जी की कृपा सच्ची में हम पे है तो जब तक हमारी पूजा समाप्त होगी ना काना, तब तक इस केले के आगे का भाग अपने आप दब जाएगा। काना, ये भी दीपावली की एक प्रथा है, इससे पता चलता है कि मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी हुई है कि ना। हे लक्ष्मी मैया, हम सबकी पूजा स्वीकार करो, आप हमें आशीर्वाद दें। आपने सही कही थी जी, मैया लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है, सच्ची में हमारे साथ यही है। मैया, मैया लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए जी हमें। हाँ यशोदा, मैया ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। आजा नन्ना, यहाँ बैठ, पूजा आरंभ कर दे। आजा। प्रभु नहीं, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? कोई उपाय निकालिए, मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। मैं मानती हूँ कि आप मानव रूप में हैं, पर फिर भी आप हैं तो मेरे स्वामी श्री नारायण के स्वरूप ही। आपसे पूजा करवाकर मैं उल्टी गंगा नहीं बहा सकती। जिन भैया की बात आप नहीं टाल पाए देवी, उनकी आज्ञा का पालन मैं ना करूं, ये कैसे संभव है? पिछले क्यों आ रहे हो? प्रेम और पूजा में कोई अंतर नहीं होता। मैं कोई भी अवतार क्यों ना ले लूं, मेरा प्रेम तो सदा आपके साथ ही है। तो फिर मैं आपकी पूजा करूं या आप मेरी, इसे क्या अंतर पड़ता है? तोड़ जगत की परिपाटी और छोड़ पुरुष अभिमान, अर्धांगिनी का पूजन कर प्रभु रच रहे नया विधान। इस अवतार में मुझे आपका साथ कब मिलेगा प्रभु? इधर के राजा विषमुख की पुत्री रुक्मिणी के रूप में शीघ्र ही आपका जन्म होगा। पर हमारे मिलन के लिए आपको थोड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी देवी, क्योंकि उसके पहले मुझे अपने अन्नदायित्व निभाने हैं और कंस के राक्षसों का सामना भी तो करना है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। सच्ची में आज बहुत ही शुभ दिन है। हाँ यशोदा, मुझे भी अब विश्वास हो गया कि अब से सुख और समृद्धि ही हमारे वृंदावन का भाग्य बनेगी। इन दीपकों का प्रकाश सैकड़ों सूर्यों की भांति चुभ रहा है मुझे।
मैं भी बकासुर हूँ। हार मानना तो मैंने सीखा ही नहीं, इसी वन में घात लगाकर बैठा रहूंगा। जैसे ही ये दीपक बुझेंगे मैं इस वृंदावन पर और उस विष्णु अवतार पर आक्रमण कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को, उसने मेरी बहन पूतना का वध किया है। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को, नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। चाहे जितनी बार मेरा नाम जप लो बकासुर, इसका फल तो तुम्हें कल ही मिलेगा।